राजीव गांधी पंचायती राज अभियान के चेयरमैन नटराजन जी, मीनाक्षी नटराजन जी आए, उनका साउथ से पूरा लिंक है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बरतरफ करने के बाद हर जगह, हर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में दीक्षा कराने का काम करे, वैसे आज भी आए। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोले, गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे रहा, बड़े बड़े अमीरों को, कॉरपोरेट सेक्टर को कम कर रहा, ये एक तरीका है। और दूसरा, पब्लिक सेक्टर पूरा, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कौन कायम करे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश आज़ादी के बाद एक सुई भी तैयार नहीं होता था, उस वक़्त ये पब्लिक सेक्टर फॉर्म करे, BHEL, BHPV, ECIL, BDL, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री था। विशाखा को हमारा जन्मा को बोले वो भी भेज दे रहे, क्यों बोलते, उसके नीचे 2400 एकड़ जमीन है, वो जमीन बेचने के वास्ते उसको पोटा उनको दे रहे। और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज का जो फंड रहता उनका, वो फंड भी उसमें से भी नरेंद्र मोदी अपना अदानी को दे रहे, अपना बैंकों से दे रहे और इंश्योरेंस कंपनियों से भी दे रहे। तो यही पूछा राहुल गांधी, क्यों उनको इतना पैसा दे रहे हो, गरीबों को क्यों नहीं देते, यही बात, तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है, बोले वही मन में रख ले के। अब नरेंद्र मोदी उनसे फेस नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, उन्हें बोले सो बातों को, किसानों के साथ क्या इंसाफ करें आप, महात्मा गांधी रोजगार योजना को बजट कम कर दिए, गरीबों के हित में जो भी काम होता है उसको कम करते और बड़े बड़े सरमाएदारों को माफ कर देते करोड़ों रुपए, यही पूछ रहे थे। ये सवाल बर्दाश्त नहीं होंगे राहुल गांधी के ऊपर। 2019 में कोलार में बोला हमारे नीरज मोदी और ललित मोदी के बारे में क्या है, और ये मोदियां देश को लूट रहे, यही बात को बोलता कि ओबीसी लोगों को इंसल्ट करा। आज हिंदुस्तान में कोई ओबीसी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं है, राहुल गांधी कोई ओबीसी को इंसल्ट ही नहीं करा, मगर राहुल गांधी देखो उनको बर्तरफ करने के बावजूद ही कर्नाटक में बोला ओबीसी के वास्ते मैं लड़ूंगा, कैस्ट वाइज सेंसस करूंगा, उसके बाद आबादी के लिहाज से उनका रिजर्वेशन बढ़ा, तो बोला यही बात गांव गांव को प्रचार करना है। जब भी दिल्ली में ये ओबीसी का मीटिंग हुई तो हमारे तरफ से मिनिमम 6000 लोग वहां जाएंगे, हमारी आवाज सुनाएंगे, उसके बाद तेलंगाना में बीसी गर्जना लगाएंगे, ताकि आबादी में 4 करोड़ में 2 करोड़ हम ही है, तो 2 करोड़ के वास्ते बराबर हम लड़ेंगे और हमारा रिजर्वेशन बढ़ाने की वजह से हमारा फायदा मिलेगा। इसके ऊपर क्रिमी लाइन भी हटाना चाहिए, जब तक क्रिमी लाइन नहीं हटाएंगे हमारी कोई आगे बढ़ने का काम नहीं है। 1993 में PV नरसिंह राव लागू करा, आज भी हम डबल डिजिट जा रहे, ये चीज हम लड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, राहुल गांधी का संदेश पहुंचाऊंगा जो राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुआ, और साथ ही साथ राहुल गांधी का जो ओबीसी के वास्ते कैच वाइज सेंसर, ये दो चीज हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, लोगों को बोलूंगा, अवाम ये सही मौका है। 1931 में हुआ कैच वाइज सेंसर, उसके बाद एक ही मरद आदमी है जिसका नाम राहुल गांधी है, वही ये रिजर्वेशन के वास्ते सरकार में आए तो ओबीसी का कैच वाइज सेंसर करेंगे और उनका आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, वो इससे जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओबीसी लोग, बैकवर्ड लोग, आगे बढ़ो, आने वाले इलेक्शन में राहुल गांधी का झंडा चढ़ाना चाहिए, यही बात मैं आज बोला हूँ। आगे 9 दिनों में भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अवाम को बोलूंगा राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुआ, राहुल गांधी की इवन वाजपेयी को भी देखे, मगर ऐसा वाजपेयी कभी अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करा, यही है। ये जो RSS वाले गांधी से डर रहे, अब तो ये हालत हो गया, कहते रात में सो गए सोकत कोई गांधी बोले तो डर रहा, गांधी बोले तो उड़ जा रहा, गांधी बोले तो उड़ जा रहा, गांधी से उत्तर डर हो गया, उसी वजह से पार्लियामेंट से उनको हटाए, ये बात गांव गांव को पहुंचाना चाहिए।